हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आई हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जो होली से रिलेटेड है। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़कर ही देख लिया, जान लिया होगा कि इस वीडियो में कुछ होली से तो रिलेटेड है। आप सभी जानते हैं कि होली एक कलरफुल फेस्टिवल है, ये एक फुल ऑन मस्ती फेस्टिवल है, लेकिन इस एक दिन की मस्ती जितनी हमें खुशी देती है उतनी ही बाद में हमें तकलीफ भी देती है। इस बात को मत भूलिएगा, क्योंकि होली में डिफरेंट टाइप्स के कलर यूज़ करते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स बाद में दिखते हैं। इनसे बचने के लिए हमें पहले से ही अपने लिए कुछ ना कुछ तो प्रिपरेशन करनी चाहिए, जिससे कि हमारी स्किन और हमारे हेयर्स डैमेज ना हो। क्योंकि जो मार्केट्स में जो कलर मिलते हैं वो मोस्टली उन केमिकल फुल ऑफ केमिकल्स होते हैं, जो हमारी स्किन को, हमारे हेयर्स को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड कर देते हैं। तो उन सब से बचने के लिए आज हम कुछ ऐसी ट्रिक्स का यूज़ करेंगे जिससे कि आपके हेयर्स, आपकी स्किन डैमेज ना हो। चलो देखते हैं हम कि किस तरह से अपने हेयर केयर करते हैं, स्किन केयर करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहले हमें क्या करना है, मींस जैसे कल मान लीजिए कि कल होली है, तो होली से एक दिन पहले हमें अपने बालों को अच्छे से शैम्पू करना है। जैसे कि आप मेरे पास ये बायोटिक का हर्बल प्रूफ शैम्पू है, आयुर्वेदिक शैम्पू है, इसको, ये शैम्पू एंड कंडीशनर है, इसको आप पहले अपने बालों में अच्छे से शैम्पू कीजिए। आप ये वाला शैम्पू भी यूज़ करेंगे तो बेटर होगा, अदरवाइज़ जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं उससे अपने बालों को अच्छे से शैम्पू कीजिए, जिससे कि जो आपके बालों में गंदगी हो वो सब निकल जाए। उसके बाद आप अपने बालों को अच्छे से ऑयलिंग करेंगे। मोस्टली मैं अपने बालों में नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। ये कोकोनट ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल है, ये प्योर ऑयल है, ये मार्केट में जो ऑयल मिलता है ये वो नहीं है, ये एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल है, प्योर वाला, जो कि मैंने केरला से मंगवाया है वो वाला ये ऑयल है। अगर किसी के पास ऐसा नहीं होता है तो आप जो मार्केट में मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे मेरे पास ये बायोटिक का हेयर ऑयल है, हेयर फॉलिंग है, आप इस ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं रेगुलर लाइफ में उसको आप यूज़ कर सकते हैं, कि जिस तरह का भी आपका हेयर ऑयल है आप वो ही यूज़ कर सकते हैं। आपने पहले अपने बालों में शैम्पू किया, फिर उसके बाद अच्छे से उसको ड्राई होके ऑयलिंग कर लिया है, ठीक है। ये तो हो गई है आपकी हेयर केयर। अब आते हैं स्किन पे, कि स्किन पे कि हम अपने स्किन का किस तरह से ध्यान रखते हैं। तो जिस दिन होली है आपको उस दिन करना क्या है, आपको अच्छे से अपनी क्रीम को, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है। तो मॉइस्चराइज करने के लिए आप कोई भी अच्छे ब्रांड की, अच्छी कंपनी की मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले सकते हैं। मेरे पास ये पॉन्ड्स की है, हिमालय की है, या फिर आप जो भी आप रेगुलर लाइफ में अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं वो ही आप अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने के बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये आपको सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि होली है। ये तो है नहीं कि हम घर में बैठे हैं और दिवाली है, ये घर में बैठ के पूजा हो रही है, घर में बैठ के हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। होली है, रंगों का त्यौहार है, बाहर मोस्टली सभी बाहर खेलते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग पानी से खेलते हैं, रंग से खेलते हैं, तो घर गंदा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा सभी बाहर ही खेलते हैं। तो इस तरह से आपकी बाहर धूप होगी तो धूप में आपकी स्किन टैन हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो उस टैनिंग से बचने के लिए आपको ये कोई भी, मेरे पास ये VLCC की सनब्लॉक लोशन है SPF 20, आपको कोई भी, आपके पास जो भी अवेलेबल है
सनस्क्रीन आप वो ही यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं है तो प्लीज़ आप परचेज करके एक सनस्क्रीन तो रखिए और उसको अप्लाई कीजिए अपनी आर्म्स पे, जो भी आपका हिस्सा मीन्स जैसे आपने कुर्ता पहना हुआ है, टी शर्ट पहनी हुई है तो हाफ है या फुल है, तो जो बाकी का रहता है वो जैसे हैंड्स है बाकी के कवर्ड नहीं है, तो उसको आपको सनस्क्रीन से एक लेयर बनानी है जिससे कि डायरेक्ट सन आपके स्किन को डैमेज ना करे, टैनिंग ना करे। इस तरह से आपको अपने सनस्क्रीन लगानी है। फिर आते हैं नेल्स। नेल्स कैसे रह सकते हैं? नेल्स भी हमारे इस केयर इस पूरे वीडियो का मेन वो है, क्योंकि आपके जो नेल्स रहते हैं वो भी, क्योंकि जो मार्केट के कलर्स आते हैं वो भी हमारे नेल्स पे अगर लग जाते हैं तो वो कई कई दिन तक वो निकलते नहीं है। तो हमें करना क्या है, जो जेंट्स लोग होते हैं वो लोग डार्क कलर की तो नेल पेंट नहीं लगा सकते हैं, तो उन लोगों को करना है कोई भी लाइट शेड, जैसे ये है मेरे पास, ये है आपके पास, जो भी लाइट शेड हो, आप अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, अपने बेटे को, सभी को ये वाला नेल पेंट मीन्स लाइट शेड का, जो जिसमें शेड ना हो, शेड लेस हो, वो नेल पेंट अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी लेडीज हैं आपकी, जैसे आपकी सिस्टर है, आपकी बेटी है, आपकी मम्मी है, कोई भी है एक्स वाई जेड, वो लेडीज सभी को कोई भी शेड का नेल पेंट लगाइए। और इससे क्या होगा कि इससे जो आपके नेल्स होते हैं, ये नेल्स पे अप्लाई करके इस पे कोई भी जो जो भी कलर होता है ये आपके नेल्स पे नहीं चढ़ेगा, और इससे आपके नेल्स बच जाएंगे, हार्म नहीं होगा आपके नेल्स को। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है इसलिए आपको इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आपकी होली अच्छी रहे, उसके लिए प्लीज़ ये सब चीज़ें फॉलो कीजिए और अपने हेयर की, स्किन की, नेल्स की अच्छे से केयर कीजिए और होली सेलिब्रेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।